बंगाल समाज के सभी समाज के बंधु भाइयों, आज का दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इस देश में ही पूरे विश्व के अंदर उस समय जब दुनिया के अंदर विश्व युद्ध चल रहे थे, परमाणु हथियार बनाने की होड़ चल रही थी, उस समय उन्होंने सारे विश्व के अंदर एक आंदोलन की नई क्रांति का शुरुआत किया। वो आंदोलन की क्रांति का शुरुआत था सत्य और अहिंसा पर चलकर किस तरीके से हम देश का आजादी प्राप्त कर सकते हैं, और उनका यह संकल्प, उनके पवित्र साधन सत्य अहिंसा पर चलकर उन्होंने सहजता के साथ जन आंदोलन खड़ा किया। देश के हमारे कई क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, और किस तरीके से दुनिया के अंदर जब आजादी की दुनिया के कई देश उस समय अंग्रेजी गुलामी के परिधि थे, उस समय उन्होंने जो आंदोलन की दिशा दी और एक लंबी लड़ाई, आजादी की लड़ाई लंबी लड़ी, और उन्होंने अंग्रेजों के घुटने टिकाए, देश में एक जन आंदोलन खड़ा किया, सबको साथ लेकर आंदोलन खड़ा किया, और उनके विचार और सिद्धांत आज भी दुनिया के अंदर उनको मान्यता है, और दुनिया के कई देशों के अंदर महात्मा गांधी के विचारों सिद्धांतों पर आज भी चर्चा संवाद होता है। दुनिया के अंदर अधिकतम देशों में महात्मा गांधी की मूर्ति, उनके विचार और सिद्धांत आज भी दुनिया को प्रेरणा देने का काम कर रही है। उसी तरीके से दिया कि हमारा किसान धरती से अनुपेदा करे और जवान सीमा पर रक्षा करे। आज उन दो महात्माओं की जयंती है। आज हम अग्रसेन महाराज जी को याद कर रहे हैं, और अग्रसेन महाराज जी के उस समय के शासन काल को हम देखते हैं तो हजारों वर्ष बाद भी हमें उनके शासन के सिद्धांत विचार, उनके ये कार्य आज भी शासन को प्रेरणा देने का काम करते हैं, समाज को प्रेरणा देने का काम करते हैं। एक ऐसे शासक जिन्होंने शासन कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, राजा के क्या कर्तव्य है, दायित्व है, उन दायित्वों कर्तव्यों को निभाते हुए उस समय वहां की जनता को एक विचार दिया, एक सिद्धांत दिया कि एक रुपया और एक ईंट। और आज भी देश में और दुनिया के अंदर जहां भी अग्रवाल समाज का व्यक्ति रहता है, जहां भी वैश्य समाज का व्यक्ति रहता है, उन्हीं सिद्धांतों को, विचारों को लेकर आज भी चल रहा है। और आज वर्तमान परिस्थिति में भी शासन देखें तो किस तरीके से जनता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार,
रोड कनेक्टिविटी बेटर हो, रेल कनेक्टिविटी हो, अच्छे अस्पताल हो, विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, इस तरीके से जहां उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, निर्माण के माध्यम से उन्होंने सिद्धांत और विचार दिए थे कि एक अच्छा शासक होता है जो जनता की सुविधाओं के लिए जनता की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को देखते हुए निर्माण कार्य करे और चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने का इच्छुक करे। आज आप देख रहे हैं अग्रवाल समाज का व्यक्ति कहीं भी चले जाए, एक दो घर का पांच घर भी होंगे तो उनके सिद्धांत और विचार, उनकी संस्कृति, उनकी संस्कार के कारण आज देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर धर्मशाला होगी तो अग्रवाल समाज की होगी। जब शिक्षा के मंत्री नहीं हुआ करते थे, सरकार विद्यालय नहीं खोल सकती थी, उस समय अग्रवाल समाज के वैश्विक समाज के लोगों ने विद्यालय और महाविद्यालय खोलकर समाज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, संस्कारित शिक्षा मिले, ताकि हम समाज के एक सर्वांगीण विकास के साथ, एक कल्याण के साथ, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करता है और इसीलिए महाराज आनंद सेन जी ने शिक्षा को विशेष रूप से ध्यान दिया था। और आज भी देख लें कि आजादी के पहले जितने भी विद्यालय महाविद्यालय होंगे उसमें अग्रवाल समाज के सबसे ज्यादा विद्यालय महाविद्यालय। उस समय चिकित्सा केंद्रों का अभाव था, अस्पताल नहीं हुआ करते थे, चिकित्सा के अभाव के अंदर, चिकित्सा केंद्रों के अभाव के अंदर कई लोगों की जिंदगी चली जाती थी। आप उस समय अग्रवाल समाज और वैश्य समाज ने संपूर्ण समाज के लिए जनता के धन से चिकित्सालय खोलने का काम किया और आज भी हम आजादी के पहले और आजादी के बाद के उन शहर और गांव में देखें तो आज भी चिकित्सालय अग्रवाल समाज के सबसे ज्यादा है। शिक्षा हो, चिकित्सा हो, धर्मशाला हो, कौन हो, क्योंकि उस समय राहगीरों को आने के साधन भी मिला करते थे। एक व्यक्ति अगर गांव से आ गया तो उसको रात्रि में साधन नहीं थे तो उनके ठहरने की व्यवस्था हो, इसलिए छोटे छोटे गांव के अंदर समाज के धन से धर्मशालाएं बनाने के निर्माण की एक श्रृंखला चली और आज देश में सबसे ज्यादा अगर धर्मशाला तो अग्रवाल समाज की। आप किसी भी शहर और तहसील में चले जाओ, वहां पूछो कि अग्रवाल धर्मशाला है तो आपको धर्मशाला मिलेगी ही मिलेगी, ये जनता के सहयोग से खड़ा करने का। तो ये महाराजा अग्रसेन जिन्हें विचार दिया था, भगवान महावीर ने सिद्धांत दिया था, आप परिग्रह जो कुछ भी है समाज का है, समाज के समर्पित करना है, आपने इसी तरीके से आप भवन बनाने का काम किया। ये भवन केवल अग्रवाल समाज के लिए नहीं, ये भवन सबके समाज के लिए काम आएगा, सामुदायिक रूप से काम आएगा। इसलिए अग्रवाल समाज ने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर खड़े किए, जो भी धर्मशाला, प्याओ, अस्पताल, विद्यालय, महाविद्यालय, चिकित्सा केंद्र, सब समाज के समर्पण के लिए किए। और आज भी महाराज अग्रसेन जी की संस्कृत के संस्कारों के कारण किसी भी समय कोई भी आपदा, संकट, विपत्ति आएगी, उस संकट आपदा के अंदर अग्रवाल समाज, वैश्य समाज के लोग सबसे अग्रिम पंक्ति पर सेवा का काम करते हैं। ये उनकी संस्कृति है, संस्कार है, जो उन्हें महाराज अग्रसेन जी से मिले हैं।
के अंतिम व्यक्ति गरीब वंचित व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने में सामाजिक रूप से मिलकर काम करें। यही विचार आज आजादी के 75 साल बाद भी चल रहे हैं। उस समय जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई, चाहे राजाओं के राज हो तो भामाशाह के रूप में, जब राजाओं के पास भी धन का संकट हो जाता तो भामाशाह के रूप में उन्होंने धन से कहा कि आपका काम है शासन चलाना, आप शासन चलाए, धन कमाना हमारा काम है, लेकिन धन समाज से कमाया, समाज को समर्पित किया। यही सिद्धांत आज 75 साल बाद मैं समाज में देखता हूं और आने वाली पीढ़ी भी इन सिद्धांतों विचारों से चले, इन्हीं संस्कृति से चले कि हम जो कुछ भी समाज से कमाएं वह समाज को समर्पित कर दें। इसीलिए तो आप लोगों की प्रतिष्ठा है कि आप केवल अपने नहीं, जो कुछ भी है समाज के लिए है, इसलिए सब समाज आपका उतना ही आदर सत्कार करता है, उतना ही सम्मान करता है। और इसीलिए आज मैं इस करनाल की धरती पर बहुत जल्दी में आया हूँ। शमी जी का आग्रह था आना ही मुझे, क्योंकि अगले कार्यक्रम में जाना था, लेकिन निश्चित रूप से मैं जब कभी पूरा फॉर्म होगा तो निश्चित रूप से करनाल जाऊंगा। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार नए विजन के साथ, नई सोच के साथ, नए विचार के साथ किस तरीके से भारत को विकसित राष्ट्र बना सके और इस विकसित राष्ट्र में संपूर्ण समाज का योगदान हो, सब लोग सामूहिकता से काम करें और सब अपने दायित्व कर्तव्यों को निभाकर काम करें, मेरा विश्वास है दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जहां आर्थिक सामाजिक रूप से हमने 75 साल में परिवर्तन किए हैं, लेकिन जो आने वाले दशक है उस दशक के अंदर दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर होंगे तो भारत होगा। भारत दुनिया का सबसे बढ़िया आर्थिक डेस्टिनेशन आज भी है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े सरकार भी अपना आर्थिक डेस्टिनेशन के रूप में अगर कहीं देखती है तो भारत में देखती है, क्योंकि एक स्थिर मजबूत सरकार, एक नीतियां और पैसे करने वाली सरकार, ताकि हम आने वाले समय के अंदर हमारे इंडस्ट्री, हमारे व्यापार, उद्योग, हमारे सर्विस सेक्टर के माध्यम से हम आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करें, रोजगार के नए अवसरों को सृजन करें और किस तरीके से, जिस तेजी से हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था चल रही है, दुनिया के अंदर वैश्विक महामारी के कारण दुनिया के अधिकतम देशों में आर्थिक मंदी का दौर है, लेकिन भारत में आप सब लोगों के कारण यहां पर आर्थिक मंदी के दौर को हमने समाप्त करकर और हमारे नए इनोवेशन, नई सोच, नए विचार, हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनके नए इनोवेशन और हर आपदा चुनौतियों का समाधान निकालने की सामर्थ्य शक्ति के कारण भारत आज तेजी से अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। भारत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है और उन योजनाओं के अंदर किस तरीके से हम आर्थिक क्षेत्र के अंदर एक सर्वांगीण परिवर्तन कर सके, मुझे आशा है करनाल की धरती जो महाराजा कर्ण महाराज की दानवीर की धरती है, ये धरती जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ है, ये एक ऐसी धरती है जहां संस्कृति आध्यात्मिक धर्म की धरती है, जहां की धरती से लोगों को एक सकारात्मक ऊर्जा का संदेश जाता है। इस धरती पर जो भी आता है अपने व्यापार उद्योग को भी करता है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ का आध्यात्मिक, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कारों के कारण संपूर्ण समाज की सेवा करने का काम भी करता है। मेरी यही अपेक्षा है, हम सबकी जिम्मेदारी है समाज में जहां भी वंचित गरीब व्यक्तियों को देखें उसके जीवन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके जीवन में कैसे खुशी ला सकते हैं, इसके लिए समाज को सभी सामूहिकता से काम करने की आवश्यकता है। पुनः
मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज इस अग्रसेन महाराज जी के इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला। और निश्चित रूप से जब भी ऐसे कार्यक्रम में आता हूं मुझे आपसे भी नई प्रेरणा मिलती है। और मैं आशा करता हूं कि जिस लोकतांत्रिक मूल्यों पर आपका विश्वास है, हम लोकतांत्रिक शासन की के माध्यम से इस देश में आर्थिक सामाजिक कल्याण कर पाएंगे। हमारा डेमोक्रेसी, हमारा डेमोग्राफी दुनिया के अंदर अद्भुत है, विशाल है, और विशालता और विविधता हमारी ताकत है। मुझे आशा है कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम किस तरीके से अच्छी चर्चा संवाद मंथन कर उसमें जो अमृत निकले उससे कल्याण कर सके। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आपके दिल्ली से नजदीक है, कभी आप लोग आए हम भारत की संसद को देखे, भारत की संसद की कार्रवाई को देखे, हम सब लोकतंत्र से और निकट के जुड़े, हमारी सक्रिय भागीदारी बने, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से तालियां हो जाए हमारे चीफ गेस्ट श्री ओम बिरला जी। और चलिए मिलके